अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी हैप्पी लवली मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? जनाब कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? ठीक ठाक? आई होप यू ऑल आर फाइन, इज़न्ट इट? जी से अल्हम्दुलिल्लाह वी ऑल आर फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के फजल व करम से हम सब खैरियत से हैं। जनाब ये बताइए कि भाई आप लोगों ने माउंटेंस देखे हैं? आप लोगों ने, जब हम जा रहे होते हैं कहीं पर, लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, तो आप लोगों को माउंटेंस नज़र आते होंगे, है ना? आपके बाबा ने आपको दिखाया होगा कि वो देखिए वो पहाड़ हैं, देखे ना आपने कितनी बड़ी बड़ी से होते हैं। और ये बताइए कि उन माउंटेंस का शेप कौन सा होता है? पता है आप लोगों को? अरे भाई वो तो एक सॉलिड शेप होता है, हमने पढ़ा था, याद आया आप लोगों को? एक सॉलिड शेप होता है जिसकी एग्जांपल के तौर पे हमने माउंटेन्स देखे थे। वो कौन सा सॉलिड शेप है भाई, बताइए मुझे, कौन बताएगा? भाई वो तो पायरामिड्स हैं, वेरी गुड। अच्छा ये बताइए सॉलिड शेप कौन से होते हैं? सॉलिड शेप्स वो होते हैं जो कि नेचुरली अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किए हैं, है ना? तो हम उन्हें क्या कहते हैं? सॉलिड शेप्स। और सॉलिड शेप्स में हमारे पास कौन सी एग्जांपल मौजूद है? माउंटेन्स की पायरामिड शेप है जिसे हम कहते हैं पायरामिड। उसकी एग्जांपल्स कौन कौन सी हमारे पास? माउंटेन्स हैं और हिल्स हैं, ठीक है? छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी कौन से शेप की होती हैं? पायरामिड की। और आपको पता है कि जब इजिप्ट है, एक कंट्री है, बहुत ओल्ड कंट्री है, वहाँ पर अहराम मिस्र जो है ना, एक एग्जांपल है, वो पायरामिड की एक बहुत बड़ी एग्जांपल है। अल्लाह ताला ने वहाँ पर अहराम मिस्र के नाम से एक इस तरीके से पायरामिड शेप में कुछ चीज़ें ड्रॉ की हुई हैं जो कि एज इट इज़ हैं, ठीक है? तो हम उन्हें क्या कहते हैं? पायरामिड्स, ठीक है? अहराम मिस्र, उसका शेप ही कौन सा है? पायरामिड्स का, ठीक है? अच्छा ये बताइए कि भाई सारे बच्चे एक बहुत मज़ेदार सी चीज़ खाते हैं, बहुत यम्मी सी होती है, बहुत मज़ेदार सी होती है, क्या होती है वो? चीज़। चीज़ स्लाइस आपने देखा है कौन से शेप का होता है? पायरामिड शेप का। और भाई यम्मी यम्मी सा हम पिज़्ज़ा भी खाते हैं, है ना? जब पिज़्ज़ा को हम कट करके एक स्लाइस निकालते हैं तो उस पिज़्ज़ा के स्लाइस का शेप कौन सा होता है? पायरामिड, इज़न्ट इट? जी जनाब। तो आपको अब समझ आ गया होगा कि अब हम किसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं? पायरामिड के बारे में। यस, सो यू हैव टू ओपन योर बुक पेज नंबर 41, वेरी गुड। अच्छा बुक ओपन करने के बाद सबसे पहला काम हम क्या करते हैं? डेट डालते हैं, तो जल्दी से डेट डाल लीजिए। मगर ये काम तो आप पहले कर चुके हैं ना? जी, तब हम मूव कर जाएंगे आइकन्स की तरफ। जी हाँ, ये आइकन्स कौन सा है भाई, जल्दी से बताइए। दिस इज ट्रेस एंड दिस इज कलर, इज़न्ट इट जनाब? अब ये बताइए कि यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी सी पिक्चर नज़र आ रही है, है ना? अच्छा इस पिक्चर में आपको कौन कौन नज़र आ रहा है? देखिए मुझे तो अहमद नज़र आ रही हैं और मुझे किटन भी नज़र आ रही हैं, वाओ। और भाई ये लोग कहाँ पर हैं, ये देखिए कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ट्रीज़ भी हैं और छोटी छोटी पहाड़ियाँ भी हैं। भाई ये कहाँ पर हैं? क्या अहमद और किटन क्या पिकनिक मनाने गए हैं? कहाँ गए हैं भाई ये लोग? और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग पिकनिक पर ही गए हैं, क्योंकि देखिए ये लोग यम्मी यम्मी सी चीज़ भी अपने साथ लेकर गए हैं। ये देखिए चीज़ भी नज़र आ रही है मुझे, है ना? आप लोगों को दिखाई दे रही है? जी हाँ। और ये देखिए भाई
यहाँ पर कैंडल्स भी हैं जो कि पायरामिड शेप की हैं। वाओ यार, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई दे रही हैं। एक तो ब्यूटीफुल सा हाउस भी दिखाई दे रहा है, इज़न्ट इट? जनाब ये देखिए कितनी अच्छी पिक्चर है। क्या आप लोगों ने इस पिक्चर में कलरिंग की थी पहले? की थी? अच्छा भाई, जिन बच्चों ने कलरिंग नहीं की थी तो वो क्या करेंगे? भाई ऑफ कोर्स वो अपना काम कंप्लीट करेंगे, अपना वर्क कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले आप इन पिक्चर्स में अच्छी सी कलरिंग करेंगे जी, क्योंकि कलरिंग तो बहुत ज़रूरी है। आपको अच्छे से कलरिंग आनी चाहिए। और पता है तमाम बच्चों को तो कलर्स बहुत पसंद होते हैं, ब्यूटीफुल से, है ना? तो जल्दी से इस पिक्चर में अच्छी सी कलरिंग कर लीजिए। और जिन बच्चों ने पहले कलरिंग कर ली थी वो क्या करेंगे भाई? भाई ऑफ कोर्स वो डिस्कस करेंगे अपनी टीचर के साथ। जी हाँ, आपने इस पूरे पेज को डिस्कस करना है, ठीक है? क्या डिस्कस करेंगे कि भाई ये कौन से शेप के हैं, इसमें कौन सा शेप आपको नज़र आ रहा है, इसमें हमें पायरामिड शेप्स की थिंग्स नज़र आ रही हैं। अच्छा, पायरामिड शेप कौन सा शेप होता है? वो एक सॉलिड शेप होता है। अच्छा ये बताइए कि पायरामिड शेप की कौन कौन सी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं। तो आप बताएंगे कि भाई मुझे तो माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, मुझे तो हिल्स नज़र आ रहे हैं, ब्यूटीफुल सा हाउस नज़र आ रहा है, और कैंडल्स नज़र आ रही हैं, चीज स्लाइस नज़र आ रहे हैं, इज़न्ट इट? ये सारा डिस्कशन आपको किसने आपने किसके साथ करना है? अपनी टीचर के साथ करना है, ठीक है? फिर कल हम इसकी स्टोरी सुनेंगे, ठीक है? प्यारे बच्चों अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।